मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शिक्षा सलाहकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर धीरेंद्र पाल सिंह टीपी सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मूल उद्देश्य युगानुकूल श्रेष्ठ भारतीय परंपराओं का भान कराते हुए विद्यार्थियों को वैश्विक नागरिक बनाना है। हर विद्यार्थी में असीमित शक्तियाँ अंतर्निहित होती हैं। यह शिक्षा नीति उनको पहचान कर उसी के अनुकूल आगे बढ़ाने पर जोर देती है। प्रोफेसर सिंह शनिवार को महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल दूषण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उसका क्रियान्वयन विषय पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के शुभारंभ सत्र को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। महाविद्यालय के बीएड विभाग तथा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की तरफ से आयोजित संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति मातृभाषा में ज्ञान देते हुए विद्यार्थियों को जड़ों से जोड़ने के बावजूद किसी अन्य भाषा से द्वेष भावना ना रखने की सीख देती है। शिक्षा नीति में वैश्विक नागरिक के निर्माण के संदर्भ को और स्पष्ट करते हुए बताया कि भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति ने कभी विश्व को बाजार नहीं माना, हम समूचे विश्व को कुटुंब मानते हैं। इसी के अनुरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति श्रेष्ठ सनातनी परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत, पहचान, भाषाओं, कलाओं के संरक्षण संवर्धन हेतु बनाई गई है। प्रोफेसर सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह समझाती है कि हमें भारत को हर संदर्भ में सक्षम और समृद्ध बनाने के लिए पीछे मुड़कर देखना है और फिर आगे बढ़ना है। सीएम योगी के शिक्षा सलाहकार एवं यूजीसी के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में मूल्य परकता व राष्ट्रीयता को ध्यान में रखते हुए गोरखपुर को बहुविषयक शिक्षा का हब बनाते हुए नॉलेज सिटी बनाने की है। उसी के अनुरूप रोड मैप तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री की दृष्टि बेसिक शिक्षा से लेकर माध्यम, उच्च व तकनीकी शिक्षा पर समग्र रूप से है, क्योंकि बेसिक व माध्यमिक शिक्षा की मजबूती से ही उच्च व तकनीकी शिक्षा की सार्थकता सिद्ध हो पाएगी। राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में बीज वक्तव्य देते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य एवं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में इतिहास विभाग के आचार्य प्रोफेसर मजहर आशिफ ने कहा कि सनातन भारतीय संस्कृति शिक्षा की बजाय ज्ञान देने की बात करती है। शिक्षा ज्ञान नहीं है बल्कि ज्ञान तक पहुंचने का रास्ता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी शिक्षा के रास्ते पर संस्कार प्राप्त करते हुए ज्ञान देने पर जोर देती है। प्रोफेसर मजहर ने कहा कि इस शिक्षा नीति में मातृभाषा की महत्ता को माना गया है, क्योंकि मौलिक चिंतन मातृभाषा में ही स्वाभाविक होता है। उन्होंने कई रोचक उदाहरणों के जरिए समझाया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बुनियाद उस सनातन संस्कृति पर रखी गई है जो 50,000 वर्षों बाद भी अक्षुण्य है। सनातन संस्कृति के समकालीन 65 सभ्यताएं थीं, लेकिन सनातन के अलावा अन्य सभ्यताएं या तो समाप्त हो गई या उनका अन्य नामकरण हो गया। संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने के लिए यह आवश्यक है कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपने शिक्षा संस्थाओं में सही और प्रभावी तरीके से लागू करें। इसमें कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह शिक्षा नीति लचीलापन प्रदान करती है। इस अवसर पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ का स्मरण करते हुए प्रोफेसर सिंह ने कहा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना में ब्रह्मलीन महंत जी का अविस्मरणीय योगदान है। संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर आशीष श्रीवास्तव, डीन स्कूल ऑफ एजुकेशन महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी तथा प्रोफेसर रामानंद पांडे, निदेशक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड गवर्नेंस नई दिल्ली ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सटीक क्रियान्वयन हेतु सबको शिक्षा के केंद्र में लाने की अपील की। प्रोफेसर आशीष ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों के लिए भी विशेष दृष्टिकोण दिया गया है। इस पर ध्यान देकर ही भारत को विश्व गुरु बनाने की परिकल्पना को साकार किया जा सकेगा। प्रोफेसर रामानंद ने कहा कि शिक्षा के केंद्र में विद्यार्थी, शिक्षक, समाज सबको शामिल ना करने पर शिक्षा नीति सिर्फ दस्तावेज बनकर रह जाएगी। राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्देश्यों पर प्रस्ताविकी रखते हुए महाराणा प्रताप महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार राव ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ के विचारों के अनुरूप है।
ब्रह्मलीन महंत जी ने 5 दशक पूर्व शिक्षा व्यवस्था में राष्ट्रीयता और मूल्य परकता की जिन संकल्पनाओं को देश की संसद में रखा था उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने अंगीकार किया है। प्रोफेसर राव ने कहा कि 1964 में गठित शिक्षा आयोग की अनुशंसाओं पर रिपोर्ट देने के लिए 1967 में संसदीय समिति का गठन किया गया था। गोरखपुर से तत्कालीन सांसद ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ भी समिति के सदस्य थे। तब उन्होंने उस समय के शिक्षा नीति से यह कहते हुए असहमति जताई थी कि शिक्षा राष्ट्रीय विकास के साथ सांस्कृतिक सामाजिक आर्थिक उन्नति का संबल व साधन है, इसमें राष्ट्रीयता को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, पर उस समय की नीति में शिक्षा की मूल समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया। प्रोफेसर राव ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मूल भावनाएं 1932 में स्थापित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के मूल उद्देश्यों से जुड़ी हुई है। ऐसे में शिक्षा परिषद की सभी संस्थाएं अपने संस्थापक के सपनों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को तत्पर है। सभी संस्थाओं ने इसे लागू करने की कार्ययोजना बना ली है। कार्यक्रम का संचालन संगोष्ठी की संयोजक सचिव महाराणा प्रताप महाविद्यालय में बीएड विभाग के अध्यक्ष शिवराज सिंह ने किया। इस अवसर पर गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीएड विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर शोभा गौंड, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के पदाधिकारी सदस्य, शिक्षा परिषद के सभी संस्थाओं के प्रमुख, शिक्षक, शोधार्थी व छात्र मौजूद रहे। संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की 5 संस्थाओं ने अपनी प्रस्तुति दी। इस दौरान प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह, प्रोफेसर मजहर आशिफ, प्रोफेसर रामानंद पांडे, प्रोफेसर राजचरण शाही, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सदस्य प्रमथ नाथ मिश्र, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सेवानिवृत्त आचार्य डॉक्टर राजेंद्र भारती, दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह व डॉक्टर प्रदीप कुमार राव मंचासीन रहे। प्रेजेंटेशन देखने के बाद प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह ने अपने सुझाव भी दिए। इसके अलावा प्रथम तकनीकी सत्र में गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीएड विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर शोभा गौड़ की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय में सहायक आचार्य डॉक्टर मीतू सिंह, महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय जंगल कौड़िया के सहायक आचार्य डॉक्टर अमरनाथ तिवारी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन को लेकर कई महत्वपूर्ण उप विषयों पर मंथन किया। इस सत्र में प्रतिवेदक की भूमिका महाराणा प्रताप महाविद्यालय में बीएड विभाग के सहायक आचार्य श्रीमती साधना सिंह ने निभाई, जबकि संचालन सहायक आचार्य श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव ने किया।